श्री रमेश बिदूरी। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान दिल्ली सरकार की तरफ दिलाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजधानी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना आपका मैं अपना फर्ज समझता हूं। ध्यान, दिल्ली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सन 1908-09 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जमीन की बंदोबस्ती की गई, जिसके द्वारा गाँवों की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे लाल डोरे का नाम दिया गया था। लाल डोरे की परिधि में आने वाले लोगों को मालिकान हक दिया गया था, जिसके अनुसार उस क्षेत्र में भूसा डालने, कोठे बनाने, पशुपालन हेतु छप्पर डालने आदि के लिए उन्हें छूट थी, जिसके लिए नक्शा आदि की आवश्यकता नहीं होती थी। जरूरत के हिसाब से एक दो मंजिला मकान बनाने, व्यवसाय धंधे आदि की भी छूट दी गई थी। इन सभी पर कोई हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाता था। इसके पश्चात 1952-53 में चकबंदी के द्वारा लाल डोरे को ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी के अनुसार बढ़ाया गया। 1963 में बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार दिल्ली में लाल डोरा एक्सटेंड के प्लॉटों के अंदर की कुछ छूट दी गई थी, परंतु उपरोक्त परिपेक्ष में यह विचारणीय है कि जिस तरह से दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके अनुसार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विस्तार हेतु पर्याप्त जमीन चाहिए। परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस समस्या के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा तेजेंद्र खन्ना समिति का गठन किया गया था, जिसने दिनांक 13 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को लेकर लाल डोरे की व्यवस्था के कारण जमीन की अनुपत्ता को स्वीकार किया था, तथा जन सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाल डोरे और एक्सटेंडेड लाल डोरे में भविष्य के निर्माण के लिए उचित नियमन हेतु वहां किए गए विभिन्न निर्माणों को ध्यान में रखते हुए कई सुझाव दिए थे। यहां यह भी उल्लेख है कि 2007 में तत्कालीन सरकार द्वारा कुछ कदम उठाने जाने की खबरें थी, परंतु जिसके कारण लाल डोरा बढ़ाने हेतु पहला रास्ता चकबंदी करना भूमि सुधार अधिनियम की धारा 23/3 के द्वारा माननीय उपराज्यपाल की अनुमति लेना था, परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि संबंध में ना ही तेजेंद्र खन्ना रिपोर्ट के सुझाव पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही पूर्ववर्ती सरकारों ने भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार कोई उचित कदम उठाया है, जिसका परिणाम यह आज इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दिल्ली प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता उनकी आबादी बढ़ने के साथ साथ माने अध्यक्ष जी अब वो अपना घर अगर अपने खेतों में बनाते हैं, एक्सटेंडेड एरिया में बनाते हैं, वहां SDM ADM तहसीलदार उन लोगों से पैसा वसूल करते हैं गिराने के नाम को लेकर। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, यह दिल्ली सरकार का विषय है। हरीशचंद्र के नाम से एक दिल्ली में विकास के नाम से मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने केवल लोगों को उनको 6 महीने हो गए, अभी तक एक भी प्रस्ताव केंद्र के पास नहीं भेजा है, और केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है दिल्ली NCR है, इसलिए वो उनको आदेश दे, और अगर दिल्ली सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करे तो केंद्र सरकार सीधा अधिकारियों को आदेश दे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि उनके लाल डोरे एक एक्सटेंडेड एरिया में उनको मकान बनाने की इजाजत दी जाए, और जो उनके खिलाफ में उनको लूटा जा रहा है पैसे लेकर डराने के नाम पर जमीनों को ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है, उनसे उन लोगों को छुटकारा मिले और दिल्ली में भ्रष्टाचार को रोक मिले। जिस भ्रष्टाचार के नाम से सरकार बनकर आई थी उस सरकार को कम से एहसास दिलाए केंद्र सरकार। इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी।